Absolutely fine. ग्रेट सर, दैट्स गुड न्यूज स्पेशली इन टूडेज टाइम्स. अरे वी विल मेक जो है ना हेल्दी वेल्दी एंड अबंडेंस रिच भारत. हमारी सर आई एम डाइंग टू ज्वाइन यू एंड दैट इज कॉल्ड यू अप. देर इज वन मिस्टर विक्रम मोदी इन मुंबई. यस आई नो ही इज अ पार्ट ऑफ आवर ग्रुप बेसिकली. सो यस सो वॉट ही इज प्लानिंग इज ही इज प्लानिंग टू स्टार्ट एन ऑफिस इन दिल्ली. ओके राइट एंड द मेन पर्पस ऑफ दैट थिंग इज टू ब्रेक सेंसेशनल न्यूज वेयर यू नो दीज एंटी भारत पीपल आर इन्वॉल्व लाइक विकिलीक्स डज लाइक द हेल्का डेड. पुनीत जी आपको एक चीज बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा कि जी 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 इसकी जड़ें बहुत गहरी है. इसकी जड़ें जो है ठीक सर बिल्कुल ठीक. इसकी जड़ें भारत की स्वतंत्रता से जुड़ी हुई हैं. बिल्कुल सर. देखो अपन को एक चीज बात बहुत गहराई से समझना होगी कि जब वर्किंग कमेटी बनाई गई जिसमें कि 15 जो है ना विभिन्न प्रांतों के रिप्रेजेंटेटिव थे राइट जी जी उसमें उसका जो मुखिया था उस जो बनेगा वो ही जो है देश का प्रधानमंत्री बनना था ये तय था राइट. ये पहले से डिसाइडेड था राइट. बिल्कुल सर. उस 15 वोट वाले जो है ना वर्किंग कमेटी में जब मतदान कराया गया तो 14 वोट डले राइट. राइट सर. उसमें नेहरू जी किसी दूसरे को वोट देना नहीं चाहते थे इसलिए उन्होंने अपना वोट नहीं डाला राइट. राइट बिल्कुल सर. ठीक है ना. अपने को डालने में उन्हें थोड़ा सा ठीक नहीं लगा और किसी दूसरे को वो डालना नहीं चाहते थे राइट. ट्रू ट्रू. तो उस 14 वोट में से 12 वोट सरदार पटेल जी को मिले थे और 2 वोट कृपलानी को मिले थे और नेहरू जी को 0 वोट मिला था. ओके. गांधी जी के चूंकि ये चम्मच थे उनके वो जी, थे जी. तो गांधी जी के दबाव में सरदार पटेल से अनुरोध किया गया और सरदार पटेल ने गांधी जी का सम्मान करते थे तो उनकी बात मान ली और इस प्रकार जो है पंडित जो है जवाहरलाल नेहरू द ग्रेट विजनरी ही हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री. राइट सर. जहां से आपको आर्टिकल 370 से लेके सब चीज डाली गई यह दुर्भाग्य का विषय है कि हमारा इतिहास बदल दिया गया. बिल्कुल सही बोल रहे हैं. और जिन्होंने इतिहास बदला है उन्हें पद्मश्री और पद्म विभूषण से नवाजा गया और इन्हीं लोगों को उन जगहों पर बिठाया गया जहां से पब्लिकेशन का जो है ना वेटिंग होती थी अप्रूवल होता था जो यूपीएससी के एग्जामिनेशन के पेपर्स इन्हीं लोगों के पास जचने जाते थे. लिहाजा किसी दूसरे व्यक्ति ने सही भारत को खोजने का प्रयास भी नहीं किया क्योंकि लोगों को डर लगा कि यदि सही भारत खोजा जाएगा तो ये डर जाएंगे. बिल्कुल सही सर. पुनीत जी आपको जान के ताज्जुब होगा अभी एक हम इंटरव्यू देख रहे थे. आई विल अप्रिशिएट राजीव मल्होत्रा फॉर टेकिंग इंटरव्यू ऑफ मीनाक्षी जैन. ओके. मीनाक्षी जैन सी इज प्रोफेसर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी. सी इज अ प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री राइट. अच्छा जी जी. इस महिला ने महान काम किया है बहुत रिसर्च किया इसने 4 किताबें भी लिखी हैं. ओके सर. इसकी किताबें छपने में इन जो है इंडिया ब्रेकिंग फोर्सेस जिसमें रोमला थापर से लेके झा से लेके ढेर सारे महान जिनको आप महान इतिहासकार कहते हैं इन चाटुकारों ने इसकी किताब नहीं छपने दी. शेमफुल सर. शेमफुल. इस ग्रेट. तो जो इंडिया ब्रेकिंग फोर्सेस हैं ये देश के बाहर बैठे हुए हैं और वो समझ में नहीं आता है लेकिन वो अंदर से जुड़े हुए हैं. कोई जो है वो एंटी दलित जन एजेंडा को प्रमोट करके देश को बांटना चाह रहा है. कोई देश के इतिहास को बदलने के लिए डालना जो है ना करना चाहता है. कोई इस देश में जो है पोर्नोग्राफी लिखवा रहा है. मुझे लज्जा आती है जब इस देश में सो कॉल इंटेलेक्चुअल्स वह अपने डिवाउच करेक्टर को लिखते हैं. आप ये देखिए जितने भी सीरियल्स हैं आज उन सीरियल्स में आपको क्या परोसा जा रहा है. बिल्कुल सही सर. इसलिए तो सर आपको अगर याद है मैंने एक बहुत महीने पहले लिखा था कि इफ वी कैन डू समथिंग अबाउट दिस वी कैन कम आउट विद एक्सीलेंट फिल्म्स एक्सीलेंट मोटिवेटिंग सीरियल्स. देखिए पुनीत जी मैं आपको ये बात बताऊं
जी इस दुष्टता के लिए हमें सबसे पहले दुष्ट लोगों को एक्सपोज करना पड़ेगा, नंबर वन। नंबर टू, हमें इमोशनल भाषण देना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल सर, क्योंकि इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ, इमोशन से काम नहीं चलेगा एक्चुअली में। नहीं जो लोग, जिन लोगों ने प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, जिन लोगों ने इसे अपोज किया उनके राजनीतिक ध्येय थे, वो जो है ना कहीं ना कहीं कहीं आना चाहते थे, तो जैसे उन्होंने उचके तो उनको चुप करा दिया गया, उनको कुछ दे दिया गया, राइट। और Correct. उनका चरित्र भी यही था, इससे ज्यादा उन्हें कुछ चाहिए भी नहीं था, राइट। जी, तो जी, हमें ऐसे ग्रुप पैदा करना पड़ेंगे जो चुप रहें लेकिन रिसर्च करके ऑथेंटिक चीजें लाएं, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री में लाएं और किताब के फॉर्मेट में लाएं, और उन किताब जी, को क्राइम फ्री भारत पब्लिश करेगा। ओके ओके, आई नो व्हाट यू मीन। क्योंकि क्योंकि ये दुष्ट लोग जो है ना, यदि आप नॉर्मल पब्लिशिंग हाउस में जाएंगे तो एक सिस्टम होता है कि बैटिंग में भेजना पड़ता है उन किताबों को, और बैटिंग में भेज, जहां बैटिंग में भेजते हैं वहां ये दुष्ट लोग बैठे गए बैठे हुए हैं, तो ये सही तथ्य सामने ही नहीं आने देंगे। वो तो है सर। देखिए, हम इतने दुष्ट भारत में रह रहे हैं, जिसको लोग महान भारत भी कहते हैं, मैं उसे दुष्ट भारत कहूंगा। ये बताइए, आपके जो है प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बहुत ही मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में, स्टेंस में, ताशकंद में मारे गए। बिल्कुल सर। जब इंडिया लाए गए तो उनका शरीर नीला पड़ गया, नीला पड़ा हुआ था जी। माननीय शास्त्री जी की पत्नी ने रिक्वेस्ट की कि मेरे पति को मुझे संदेह है, इनका पोस्टमार्टम कराया जाए। जो पोस्टमार्टम कहीं भी संदिग्ध मौत होने पर सामान्य प्रक्रिया का अंग है, हाँ, वो नहीं हुआ। हमारे प्रधानमंत्री की पत्नी की मांग पर भी, उनकी अंतिम इच्छा या वैसा मान के भी, उनको सम्मान देते हुए कर देना चाहिए था। इस देश में कितनी विघटनकारी शक्तियां मौजूद हैं कि जिन्होंने जो है ना माननीय शास्त्री जी का, स्वर्गीय श्री शास्त्री जी का पोस्टमार्टम भी नहीं होने दिया, नहीं होने दिया। जी जी जी, आपके देश का इतिहास जो आप पढ़ रहे हैं, इस इतिहास में आपके सुनहरे हिस्से हटा दिए गए हैं। इस देश पे जिन लोगों ने अत्याचार किया, रेप किया, मर्डर किया, आपके टेंपल्स को तोड़ा और आपके डेटीज को उन्होंने मस्जिदों, मंदिरों पे मस्जिद बना के उसकी सीढ़ियों पे जो है ना डेटी जो है ना मड़वा दी, जिससे कि हर जी, किसी का जी, जो है ना जूते के नीचे से वो निकले। ऐसे दुष्ट लोगों के नाम से जो है इस देश में रोड हैं, शहर हैं। जी, ये कौन कौन है ये दुष्ट लोग? हुज आर द इंडिया ब्रेकिंग फोर्सेस? वेरी राइट सर। ये वो लोग कौन है जिन्हें जेल में रहते हुए भी इतने पत्र लिखना पड़ते थे कि वो जो है ना उससे किताब बन गई? हाँ जी, वो कौन लोग हैं जिनको जो है ना जेल में रहते हुए उनको उनकी च्वाइस के जो है ना पत्र, जो है ना समाचार पत्र मिलते थे? हाँ जी, एक किसी ने जो है तत्कालीन जब प्राइम मिनिस्टर जो मिस्टर एटली थे ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, उनसे पूछा कि जब आप जो है द्वितीय विश्व युद्ध में जीत गए थे तो ऐसी क्या परिस्थितियां थी कि आपने भारत को जो है स्वाधीनता दी? हाँ, क्योंकि आपका इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट जो है वो आपको जानकारी हो तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल। मैं ऐसा सोचता हूँ कि आपको जानकारी होगी, ठीक है ना? जी 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 जी। अब मेरा सोचना, मेरा कहना ये है कि जब इटली से पूछा गया कि ये आपने क्यों स्वतंत्रता दी, तो जानते और उसने पूछते पूछते एक किताब का हिस्सा बता रहा हूँ मैं। हाँ, उसमें उसने पूछते पूछते पूछ लिया कि क्या ये गांधी जी के कारण या नेहरू जी के कारण मिला है? हाँ, इटली का जवाब है रिकॉर्ड में, नॉट एट ऑल। ओ, तब उनसे पूछा गया कि वो क्या कारण थे जिसके कारण जो है ब्रिटिश साम्राज्य जो है ना बाध्य हुआ भारत को छोड़ने के लिए, तो उन्होंने उसमें दो तीन कारणों में एक कारण बताया, INA, आपकी आजाद हिंद फोर्स एंड सुभाष चंद्र बोस। इन दुष्टों ने सुभाष चंद्र बोस को जो है ना एक हॉट केक में सौंप दिया गया है, इसके प्रूफ भी अवेलेबल है। ये इतने दुष्ट लोग हैं, इतने दुष्ट लोगों के बीच में ये इंडिया फिर भी सरवाइव कर रहा है क्योंकि हमारे देश के लोग महान हैं, हमारे देश के लोग बहुत क्षम हैं। इस देश में जो है इस देश का झंडा जलाने वालों को कुछ नहीं किया जाता है। मैं इस देश की पुलिस से पूछ रहा हूँ, उस थानेदार से पूछ रहा हूँ जिसके क्षेत्र में ये कार्रवाई होती है, क्या
ये कानून में अपराध है, संज्ञेय अपराध है, क्या देश के थाना प्रभारी को बिना किसी के आदेश के, बिना किसी के कंप्लेंट के, क्या उसे अपराध पंजीयन का अधिकार नहीं है? तो यदि कानून की भाषा में ये अपराध है और स्वविवेक से स्वो मोटो थाना प्रभारी अपराध पंजीयन कर सकता है, तो हमने देश की व्यवस्था को कितना पंगु बना दिया है। आज आपके सभी ऑर्गान्स को जो है ना गले से काट दिया गया है। इस देश का जो है ना लोगों को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत अपेक्षाएं थी, फिर क्या वजह है कि आर्टिकल 370 जिसकी पूरे देश की जनता ने जो है ना बीजेपी को अपने सिर पे बिठाया, फिर क्या वजह है कि जो है ना इसी बीजेपी ने, इसके जो है ना एमएचए ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है अभी फरवरी और मार्च में अप्रैल में, जिसका नाम है डोमिसाइल सिस्टम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और जिसमें कहा गया है कि 15 साल वहां रहना जरूरी है डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए, और जिसके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा उसको ही सभी जॉब मिलेंगे। तो क्या वजह है कि जिस काम के लिए आपने जो है इतने सालों से घोषणा करके आ रहे थे, आप बैकएंड से वही काम कर रहे हैं? क्या देश के जनता को मालूम है? और इस देश की जो है ना बाकी जो है ना जो क्रिएटिव लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो उनकी अकल क्या घास चढ़ने जा रही है? इस बिंदु पे चर्चा क्यों नहीं हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल सर, हम अफगानिस्तान को रीसेटल करने की बात करते हैं, ब्राह्मिन्स को नहीं करते। ओबीसी का साला जब दिल करता है जो बकता है, क्या वो कानून में अपराध की श्रेणी में आता है कि नहीं आता है? तो वहां का थानेदार संज्ञेय अपराध होने के कारण वो बिना किसी से इंस्ट्रक्शन लिए अपने स्वविवेक का जो उसको अधिकार मिला है, बल्कि मैं उसे अधिकार नहीं कहूंगा, जिम्मेवारी मिली है। इट इज द लीगल अकाउंटेबिलिटी ऑफ द स्टेशन हाउस ऑफिसर। हमने इस देश की व्यवस्था को इतना पंगु बना दिया है कि वो थाना प्रभारी वो अब राजनीतिक पार्टियों के मुग्गों से, जो कि खुद अपराधी हैं, जिसमें से 42% आर क्रिमिनल, उनसे वो आदेश लेके काम करता है। आई एग्री विद यू टोटली सर, बट द प्रॉब्लम इज हाउ डू वी गो अबाउट इट सर। मैथिली शरण गुप्त से मिलिए, हम लोग मिलके वो भारत, क्योंकि हम जो है भारत में समृद्धता भी लाएंगे, आंदोलन नहीं करेंगे, किसी की लाइन छोटी नहीं करेंगे, लेकिन अपनी लाइन इतनी बड़ी कर देंगे, लाइन लंबी कर देंगे, इतनी बड़ी कर देंगे कि सब लोग समाज आएंगे तो भी उस लाइन से बहुत छोटे रहेंगे। एक्चुअली सर व्हाट वी लैक इज फाइनेंस, फाइनेंस की जरूरत नहीं है। ये बताओ आपको सूर्य भगवान जो सोलर एनर्जी दे रहे हैं वो आपके फाइनेंस से देते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, यू आर राइट, आई एग्री विद यू सर, बट जो आप फल पौधे या फसल लगाते हैं वो जो भी देते हैं वो फाइनेंस से देते हैं क्या? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं देते सर। इसका मतलब है, इसका मतलब है कि जो लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाइए, क्योंकि उन्हें फाइनेंस चाहिए, तो हमारा जो है क्राइम फ्री भारत रिवार्ड सिस्टम उनको इमीडिएट फाइनेंस देगा, और हम चाहेंगे कि वो रिवार्ड पॉइंट शुड रिमेन एज ए रिवार्ड पॉइंट, लेकिन यदि उसे रिडीम करना है तो उसी ऐप से उसके अकाउंट में जितना रुपए चाहिए वो पहुंच जाएगा, इक्विवेलेंट टू दैट रिवार्ड सिस्टम। लेकिन चूंकि वो रिवार्ड पॉइंट विल बी इक्वल टू 1.2 रूपी, तो मैं चाहूंगा कि वो रिवार्ड पॉइंट के रूप में ही रहे, जिससे हमें, क्योंकि रिवार्ड पॉइंट जब रूपी में कन्वर्ट होगा तो उतना पैसा चाहिए होगा, राइट? राइट सर। तो उस पैसे को जरूरत ही ना हो यदि रिवार्ड पॉइंट से ही काम चल जाए, जो कि रिडीमेबल है एज योर फिंगर टिप, आपने बटन दबाया आपके खाते में उतना पैसा आ जाएगा, लेकिन यू आर लूजिंग 20% मनी, क्योंकि वो सिस्टम ऐसे बनाया गया है। हाँ जी हाँ जी। और उससे आप अभी आप पैसे से जहर खरीद रहे हो, अन्न है वो आपका जहर है, अन्न है आपका जहर है, दो दूध आप कर रहे हैं वो अल्फा टू वैरायटी का है, अल्फा वन वैरायटी का है, अल्फा टू वैरायटी का मिल्क ही नहीं है, और जितना आप मिल्क का यूज कर रहे हैं उसका 1/3 मिल्क ही हम पैदा कर रहे हैं, तो 2/3 मिल्क जो है वो केमिकल ओरिजिन का है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जो केमिकल ओरिजिन का मिल्क है उससे तो कैंसर हो रहा है। तो आप ये देखिए, जहां पे जिसको हम फूड बाउल ऑफ कंट्री कहते थे पंजाब, वहां पे कैंसर ट्रेनें चल रही। बिल्कुल। और जो हमारी वेल्थ आई वो वेल्थ जो है ना इन राजनीतिक दुष्टों ने सिंडिकेट चला के, ड्रग माफिया का जो है ना हेड करके, इन्होंने
पूरे पंजाब के यूथ को जो है ना ड्रग रूपी जहर में घोल दिया। ये तो इतने यस दुष्ट लोग सर, हैं। तो पुनीत जी, मेरा आपसे आग्रह है, अरे नहीं सर, आप ऑर्डर करें, आग्रह नहीं। आप आइए, देखिए मैं एक सेशन आपके साथ जो है ना रखता हूँ, राइट, जिससे कि हमारे विचारों को जो है क्राइम फ्री भारत से लोगों तक तो पहुंचे, क्योंकि वेरी राइट, विचार एक एनर्जी है, बिल्कुल सर, ये बिल्कुल विलोपित नहीं होता है, ये ब्रह्मांड में घूमेगा, करेक्ट, वो ऐसे भारत को पैदा करेगा जो सोने की चिड़िया नहीं होगा, जहां सोने की नदियां बहेंगी, दूध की नदियां बहेंगी, जहां समृद्धि जी की सर, नदियां बहेंगी, यहाँ का प्रोडक्ट जो है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे नहीं बिकेगा, वो भारत में जो है ना दुगनी प्राइस पे बिकेगा और विदेशों में हाँ 10 गुना जी प्राइस पे बिकेगा, क्योंकि वो अमृत होगा। बिल्कुल बिल्कुल एक सर, एक मैं वीडियो देख रहा था, शायद आपने भी देखा हो, कि एक गुरु महाराज जो है ना एक ऊंचे से मंच पे बैठे हुए हैं और उनके सामने उनके चेले बैठे हुए हैं और उन चेलों के जस्ट सामने एक सुंदर सी एक जर्नलिस्ट बैठी हुई है और राइट सर, वो गुरु जी से प्रश्न करती है कि गुरु हाँ जी, जी किसका गाय दूध जो है सबसे अच्छा होता है? तो गुरु जी कहते हैं भैंस का दूध। तो उस जर्नलिस्ट को बहुत ताज्जुब होता है, तो वो दूसरा क्वेश्चन पूछती है, गुरु जी आज चला रहे हैं गौशाला और कह रहे हैं कि भैंस का दूध, भैंस का दूध, राइट? तो उन्होंने कहा, बिटिया हाँ तुमने दूध के बारे में पूछा है, गाय का दूध तो दूध ही नहीं है, वो तो अमृत है, अमृत है, क्या यदि बात आप अमृत के बारे में पूछते तो बेटा मैं गाय का बताता, यदि आप भैंस के बारे में पूछेंगे तो आज भी मैं उसे सबसे है, अच्छा हाँ दूध दूध, कहूंगा, क्योंकि गाय का दूध तो दूध ही नहीं है, अमृत है। अमृत है, तो यस हमारा कहना है कि अकेला ये बात दूध के लिए ही नहीं होगी, ये बात अनाज के जी लिए भी होगी, ये हमारे फ्रूट्स के लिए भी होगी, ये बात हमारे जो है ना फॉडर्स के लिए होगी, हमारे मेडिसिनल प्लांट्स के लिए होगी, और चूंकि हाँ उन्हीं जी उन्हीं के जो है ना फूलों से रस लेके हमारी मधुमक्खियां जो शहद बनाएंगी, उनमें भी अमृतीय गुण होंगे। अमृत होगा, यस सर ब्यूटीफुल ये व्यवस्था माधवीचरण थॉट सर, गुप्त जो ब्यूटीफुल है थॉट ने ठाना है कि सिद्धेश्वर गुरु महाराज की कृपा से हम जी, 2 महीने के अंदर इस व्यवस्था का जो है ना को ग्राउंड पर खड़ा करने के लिए कृत संकल्पित है। क्या बात है सर, आई हमारे विश यू ऑल द सिद्धेश्वर गुरु जी सक्सेस, जो है अभी समाधि में है, ऐसा हाँ जी अपेक्षा की जा रही है कि 2 महीने में वो बाहर आएंगे, उनका जी आशीर्वाद प्राप्त करके इस योजना को जमीन पर उतार दिया जाएगा, और इसके लिए सर, हमें आप क्या जैसे बात है लोगों को चाहिए, हमें जी, उन सभी लोगों का जिनका की ग्राउंड पे से उतारने के लिए आवश्यकता है, हम चाहते हैं कि उनकी सूची बनाई जाए, हम चाहते हैं कि मैं खुद जाके हाथ जोड़ के उनके प्रार्थना करूंगा और उनके साथ एक जी ज्वाइंट वेंचर का सिग्नेचर वो भी करूंगा, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रहेगा, और हम चाहेंगे राइट कि सर, क्राइम फ्री भारत रिवार्ड पॉइंट के तहत वो अपने रिसोर्सेज डालें और हाँ जी जिस ऐप जब वो चाहेंगे वो रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा, तो जब तक रुपए नहीं चाहिए तब तक उसे रिवार्ड पॉइंट रहने दीजिए, और राइट, रिवार्ड पॉइंट यदि फिक्स डिपॉजिट में आप जमा करेंगे तो वो SBI बैंक का जो भी डिपॉजिट होगा उससे 1% हाँ ज्यादा उसका जो है ना इंटरेस्ट पे किया जाएगा। वाह गुड सर, लेकिन ये सब चीजें बातों में कहने के बजाय हमें करके दिखाना है, हाँ और जो प्रैक्टिकल में, राजनीति की बात करते हैं वो सब साले बदमाश हैं, वो एन केन वो तो कृकारण है जो है ना वर्तमान नेताओं की जगह खुद को बैठाना चाहते हैं, उससे इस देश का जी, भला नहीं होने वाला है। आई एग्री विद यू सर टोटली, केजरीवाल के बैठने से देश का कोई भला नहीं हुआ, वो व्यक्ति जो है ना कुछ मुस्लिम परिवार के घर जाके 1 करोड़ का जो है ना चेक देता है उसके घर जाके, भैया जिसका देश है हिंदुओं का, उन्होंने क्या आपका बिगाड़ा है भैया, एक का चेक उनके यहां भी दे आओ, हाँ हाँ बिल्कुल सर, मतलब ये दुष्टता की पराकाष्ठा है। आप एक IIT बिल्कुल के सर, ग्रेजुएट हैं, आपसे जो है अच्छे बिजनेस फंडों की जो ना आवश्यकता हो रही थी कि आप कम से कम उनको उतारेंगे, आप तो वही फ्री भी और ये वो सब वही बदमाशियां कर रहे हैं जो आज के राजनेता कर रहे थे। बिल्कुल आप ठीक सर, केजरीवाल ने तो एक बड़े प्रयोग को खत्म कर दिया है, लोग बाग अब अच्छे प्रयोग को सबकी दृष्टि से देखेंगे, क्राइम फ्री भारत हाँ जो जी है ना हाँ जी को भी लोग बाग सबकी दृष्टि से देखेंगे, क्योंकि केजरीवाल जैसे दुष्ट ने उसे जो है ना बदनाम कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये सब आज हाथी के आज दांत आज हैं जो सर, है इस दुष्ट के कारण कोई भी व्यक्ति अच्छी चीज को जो सुनने में और देखने में अच्छी लग रही हो उसे शंका की दृष्टि से देखेंगे। तो इसने जो है ना केवल दुष्टता से सत्ता हासिल की है, बल्कि जो है इस व्यक्ति ने एक
जो एक आस्था और जो एक ट्रस्ट वाला जो एक भारतीय कम्युनिटी का जो है एक बहुत अच्छा जो है ना जो वैल्यू सिस्टम था, इसने उसको वो किया है। और कहते हैं कि दूध का जला छाछ को फूक फूक के पीता है। केजरीवाल जिस दुष्ट ने जो कि IIT का ग्रेजुएट है, हमें लज्जा आती है कि उसने जो है ना देश के साथ विश्वासघात किया है। वो ही है ना सर, अपना उल्लू सीधा करने में लगे हैं। तो भैया यहाँ उल्लू की जगह देश हित जो है ना बना लो अपनी, उसे सीधा कर दो ना भैया। करेक्ट सर। नहीं सर, मैं कोशिश में तो हूँ बिल्कुल, क्योंकि मेरा नहीं, देखो ऐसे नहीं चलेगा। देखो, इसलिए नहीं चलेगा कि इसमें किसी व्यक्ति को एक मंजिल तय करना होगी, रोडवेज पाथवेज बनाना होंगे, टेक्नोलॉजी लाना पड़ेगी, कॉन्सेप्ट लाना पड़ेगा और लोगों को जोड़ना पड़ेगा, राजनीति के लिए नहीं, डिलीवरी के लिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्योंकि क्योंकि इस ये जो है ना राजनीति से नहीं हैंडल हो सकता है। और नहीं 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 सर, उसी ने तो सत्यानाश किया सब। तो राजनीति की दुष्टता देखो ना, अभी हमने एक वीडियो आप लोगों को भेजा है, आपने शायद देखा हो, जिसमें जो है ना राजीव दीक्षित जी कह रहे हैं कि साला आप चपरासी नहीं बन सकते हो, लेकिन वो दुष्ट आपका मुख्यमंत्री बन जाएगा और आप उसे मालाओं से लाद देंगे। हमने अपने देश को कहां खड़ा कर दिया ये राजनेताओं को। आप कहिए नहीं नहीं साहब, यहाँ की पॉलिटिक्स से नहीं होने देगी, तो इन दुष्ट हरामी बदमाश राजनेता जिसमें उसकी 42% क्रिमिनल्स हैं, इन सालों को यहां से भगाया जाए। इन दुष्टों को जो लाइन, दुष्टों की लाइन के बगल में इतनी बड़ी लाइन खड़ी कर दो कि दुष्ट अपना कद खोजने में जो है ना कद खोजेंगे तो कद ना मिले उनको अपना। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, है ना। तो मैं एक सेशन प्लान करता हूँ आपके साथ, क्योंकि उसका मकसद ये रहेगा कि आप क्वेश्चन पूछिए कि साहब कैसे होगा, वो कैसे होगा, और मैं उसका जवाब दूंगा। और इसका मकसद ये है कि जो अपनी सोच की एनर्जी है उसको जमीन पे उतारा जाए, और फिर रोडवेज और पाथवेज के साथ जिसमें कि 21 टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं मैथिली शरण गुप्त, अपनी दम पर इस व्यवस्था को जमीन पर उतार के बताएंगे आप लोगों के सहयोग से और बिना धन के, और इतना धन पैदा करेंगे कि धन की वर्षा होगी इस देश में। विश यू द बेस्ट सर ऑलवेज। लेकिन 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 उसमें भिड़ जाइए, नंबर वन जी, अच्छे लोगों की जो है ना सूची बनाने के लिए, जिन्होंने बीज पे काम किया हो, जिन्होंने गऊ पे काम किया हो, जिन्होंने गऊ की ब्रीड पे काम किया हो, जिन्होंने सॉर्टेड स्पर्म पे काम किया हो, जिन्होंने जो है ना विभिन्न चीजों के जो है ना केमिकल फ्री सैपलिंग्स बनाए हो फ्रूट्स के, इसके उसके, और इनकी जो है ना इतनी बड़ी संख्या में बना दिया जाए कि हम जमीन पर कंपोजिट फार्मिंग को उतारेंगे, जिसमें हर खेत में जो है ना फल के पौधे होंगे, मेडिसिन के पौधे होंगे, कैटल के लिए फॉडर के बड़े जो है ना प्लांट होंगे, और उसमें जो है ना सीरियल और ये सब चीजों का होगा, और बैक एंड में डिमांड एंड सप्लाई की व्यवस्था होगी। कल मैं एक किसान से बात कर रहा था महाराष्ट्र में, उनका नाम अशोक था। उन्होंने कहा कि सर जो है हमने टमाटर लगाए थे और हमारा टमाटर जो है ना 1 crate 30 rupees का जा रहा है, तो 1 kilo लगभग 125 rupees का पड़ रहा है, तो अब उनको बेचने जाने में इतना ज्यादा खर्चा होगा, तो हम तो जो है ना उसको जमीन पर डाल के फेंक दिए। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम डिमांड एंड सप्लाई को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। मैथिली शरण गुप्त अपने ऐप के माध्यम से इसका एग्रीगेशन करेंगे, किसानों को डिसीजन मेकिंग पावर देते हुए और बेस्ट डिसीजन लेने के लिए एक मॉडल लेके आएंगे। मिस्टर पुनीत चोपड़ा, इट इज डुएबल। इट इज सर, आई बिलीव यू टोटली। तो जब यदि ये किया जा सकता है और मैथिली शरण गुप्त पाथवेज को देख पा रहे हैं, टेक्नोलॉजी वालों को रेवेन्यू स्ट्रीम देंगे, उनको रिवार्ड पॉइंट देंगे जो कि रिडीमेबल होंगे रुपीज में, तो हम वो खड़ा करके क्यों ना दिखा दें भाई, हाथ कंगन को आलसी क्या, हम भाषण क्यों दें, हम किसी दूसरे से वो क्यों करें। ये दूसरे लोग तो दूसरे लोग तो वोट के लिए जो है ना पॉपुलेशन की डेमोग्राफी जो है ना बदल दे रहे हैं। एक जो है ना देश की जो है ना एक जो है ना प्रदेश की मुख्यमंत्री वो जो है ना बांग्लादेशी और कहां कहां के जो है ना मुस्लिम को सेटल कर रही है। इस देश का जो है ना दुर्भाग्य है कि ऐसे ढेर सारे वीडियो दिखाए गए जिसमें कि CRPF की गाड़ी जा रही है और ये दुष्ट लोग जो है ना डंडा अपने पीछे दिख रहे हैं जो कि उस वीडियो रिपोर्ट में है, या क्या हथियार के साथ तैयारी करके इस तरीके की व्यक्ति को
क्या इलीगल जो है क्राउड नहीं डिक्लेयर होना चाहिए था, क्या इन साले दुष्टों को सबको बंद नहीं करना चाहिए था क्या? और यदि ये मुख्यमंत्री की सहमति से हो रहा था तो वो मुख्यमंत्री इसी देश की संविधान से जो है जुड़ी हुई है, इसी जो संविधान में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और दायित्व बांटे गए हैं उसमें एक शेड्यूल सात होता है जिसमें एक सेंट्रल लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट होती है और तीसरी कॉन्करेंट लिस्ट होती है। तो पुलिसिंग एंड लाइन ऑर्डर, ये दोनों चीजें सीरियल नंबर वन और सीरियल नंबर टू है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी की। यदि देश में यदि इनके राज्य में यदि FIR दर्ज नहीं हो रही है तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल फेलोअर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी नहीं है क्या? 100% सर। उसी संविधान में आर्टिकल 356 है जिसमें कहा गया है कि यदि कॉन्स्टिट्यूशनल फेलोअर ऑफ मशीनरी हो तो ऐसी सरकार को ध्वस्त करती है। तो इसका मतलब है कि ध्वस्त करना किसी का मकसद ही नहीं है। सबका काम राजनीति की रोटी जो है ना सेकना है कि इस चीज को इनकेस करके हम सत्ता में आ जाए। देखिए मैं आईजी ऑपरेशंस कश्मीर था उस समय, जिस समय की अमरनाथ लैंड का जो है वो हंगामा हो रहा था। अच्छा जी। ग्राउंड पे उसको मैं हैंडल कर रहा था, मैंने वहां रहते हुए खुद की टेक्नोलॉजी बना के 130 मिलिटेंट्स को मारा है। ओ खुद की टेक्नोलॉजी जी जी राइट जी जी जी। मुझे हमेशा ये ताज्जुब हुआ कि ये जो है अमरनाथ की जो अप्रोच लैंड थी उसको लेके जो कि जिसका बहुत छोटा सा हिस्सा जितना ट्रांसफर किया था उससे ज्यादा चौथा मतलब 4 times more जो है ना लैंड वाज बीइंग यूज्ड फॉर दैट अमरनाथ यात्रा राइट। और उस लैंड का इससे हटके कोई उपयोग भी नहीं था। वहां पर जो जुड़े हुए लोग थे जो भी धन कमाते थे वो इसी यात्रा से कमाते थे। जी जी जी। फिर जो है कोई जो है उनके लाल चौक पे जाके इन बातों को कोई भी राजनेता क्यों नहीं कह पाया, क्योंकि उसमें राजनीति थी कि साहब ये इसको जो है हम श्रीनगर में जो है ना दूसरी पार्टी को जिता देंगे और इसी मुद्दे को जो है ना जम्मू में इनकेस करके हम हिंदुओं को जिताएंगे और दोनों को वो करके हम जो है ना अपनी अपना जो है ना सत्ता ले आएंगे। ये तो सत्ता के वो भी लोग ये हैं कि जो कि विध्वंसकारी शक्तियां हैं उनसे हाथ मिलाते हैं, उनके साथ गवर्नमेंट बनाते हैं। आप ये बताइए कि आर्टिकल 370 जब भाजपा ने हटाया तो सभी लोगों ने अपने सिर पे उसे बिठाया। हाँ जी। फिर जो अभी हम बता रहे हैं कि डोमिसाइल का नोटिफिकेशन MHA ने जारी किया है जिसमें कहा है कि 15 साल जब आप रहेंगे लगातार तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलेगा और उसी में कह दिया है कि सभी नौकरियां उसी को मिलेंगी जो डोमिसाइल होगा। इसका मतलब है उन बेचारे पंडितों को नहीं मिलेगी। हाँ बिल्कुल सर बिल्कुल। उन्हीं विघटनकारी शक्ति से अपनी जम्मू एंड कश्मीर पार्टी बनाई गई है जिसको माननीय नरेंद्र मोदी जो है ना 1 घंटे का समय दिए हैं उसके फोटो खिंचवा के प्राइम मिनिस्टर के निवास में कोई भी यदि पार्टी होगी तो उसका फोटो कोई बाहर का व्यक्ति खींच सकता है क्या? सवाल ही नहीं उठता सर। तो वो फोटो किसने खिंचवाए और कहां भेजे हैं? इसका मतलब है राजनीतिक लाभ लेने के लिए नरेंद्र मोदी जैसे महान व्यक्ति भी जो है ना इतने नीचे गिर सकते हैं। किसकी नियत पे जो है ना भरोसा करें, किसकी नियत पे भरोसा करें? बिल्कुल ठीक। इस देश को जो है ना टॉर्च कौन दिखाएगा? तो मैंने निर्णय लिया है कि टॉर्च मैथिली शरण गुप्त दिखाएंगे। क्या बात है सर। हम जो है टेक्नोलॉजी भी लाएंगे, सिस्टम भी लाएंगे, ग्राउंड पे जो है ना जाके लोगों से भीख भी मांगेंगे कि हमसे जुड़ो। पैसा किसी से नहीं मांगा, पैसा किसी से नहीं। राइट राइट। और जी जी यहाँ पर जो है हम धन की नदियां बहाएंगे जहां पे कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं होगा। आप जो है गरीबों को वो दिखा के फ्री भी दिखा के उनके वोट नहीं ले पाएंगे, उनमें दारू बांट के पैसा बांट के और साड़ी बांट के आप जो ना वोट नहीं ले पाएंगे। ऐसे भारत को हम खड़ा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। पुनीत जी बिल्कुल। हम एक सेशन बनाते हैं तो आप आइए जुड़िए। राइट। आप 2-3-4 अच्छी सोच के लोगों को भी उसमें लाइए। तो हमारा कह रहे हैं जो हम कह रहे हैं वो मेरे मुंह से ही जाने दिया जाए, ये ना तो पत्रकार लिखेंगे, ये सब बिके हुए हैं इनके। बिल्कुल सर बिल्कुल। इनके चैनल्स बिकी हुई हैं, इनके मालिक बिके हुए हैं, ये कहीं पे थोड़ा बहुत ठीक ठाक करते हैं तो वो इस वास्ते कि जो ना शासन से कैसे और ज्यादा पैसा ले। डेफिनेटली सर डेफिनेटली। आप ये देखिए नहीं है कि टीवी के ऊपर जो है ना नेशनल डिबेट होती है, इंटरनेशनल डिबेट होती है, उसमें कोई इस पार्टी को रिप्रेजेंट करता है, कोई इस पार्टी को रिप्रेजेंट करता है और अधिकांश पत्रकार जो है ना इंडिया ब्रेकिंग फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या इतने बड़े देश में जो है
राष्ट्र है तो राष्ट्रवादी उनको एक भी चरित्र तो दिखाई नहीं दे रहा, उन्हें क्यों राष्ट्रीय डिबेट में नहीं आना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। पत्रकारों को क्यों राष्ट्रीय डिबेट में आना चाहिए? ऐसा क्या उन्होंने कर दिया है? उनका खुद का चरित्र क्या है? वो क्या लिख रहे हैं? क्यों लिख रहे हैं वो बताइए मुझे सर। येलो जर्नलिज्म है सर पेट। तो मेरा ये कहना है कि यदि हम ग्राउंड पे मॉडल्स लाएंगे और अपनी एनर्जी की आवाज खुद अपने तरीके से पहुंचाएंगे तो हम इस देश का भला कर पाएंगे। क्योंकि ये राजनेता अच्छा कानून नहीं लाएंगे, ये क्रिमिनल्स को ही टिकट देंगे क्योंकि क्रिमिनल्स के जीतने की संभावना ज्यादा रहती है। ये हमारे देश की जो है ना जनता का मूर्खता कहें या लालच कहें कि ये लोग जेल में रहते हुए भी चुनाव जीत जाते हैं। अच्छा व्यक्ति जो है ना इन लोगों को दिखाई नहीं देता है और अच्छे लोगों को कोई टिकट ही नहीं देना चाहता। बिल्कुल सर करेक्ट। तो हम इसको कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल राइट। राइट। एक ना तो चुनाव में डेमोक्रेसी रह गई है ना पार्लियामेंट में डेमोक्रेसी रह गई है। आप देखिए ना पॉलिटिकल व्हिप जो है उस पॉलिटिकल व्हिप के कारण आप जो आपसे कहा जा रहा है आपके आका जो कह रहे हैं उससे हटके नहीं बोल सकते हैं। ये लोग जो है पार्लियामेंट के बाहर भी ना अपनी बात कह सकते हैं ना जो है ना पब्लिक की बात कह सकते हैं क्योंकि ये पॉलिटिकल डिसिप्लिन से बचे बंधे हुए हैं। जिसने थोड़ा सा उछल कूद की तो उसको ही पार्टी से निकाल देंगे ये लोग। तो फिर डेफिनेटली डू समथिंग। और 42% उसमें से क्रिमिनल्स हैं। हाँ जी 42% क्रिमिनल्स। ये बड़ा विडंबना का विषय है कि इस देश में अभी जो फिर लोग कहते हैं कि यदि डेमोक्रेसी नहीं है तो क्या है, तो हमने उसका नाम दिया है पॉलिटिकोक्रेसी राइट। गवर्नमेंट ऑफ द पॉलिटिशियन बाय द पॉलिटिशियन एंड फॉर द पॉलिटिशियंस। यदि हम नहीं जागे तो शायद अगले चुनाव के बाद हम पॉलिटिकोक्रेसी में भी नहीं रहेंगे, हम क्रिमिनलोक्रेसी में के प्रवेश द्वार पे खड़े हुए हैं। यदि हम नहीं जागे तो अगले चुनाव में हम क्रिमिनलोक्रेसी में घुसेंगे जिसमें 50% से ज्यादा लोग जो है वो क्रिमिनल्स होंगे। एंड क्रिमिनल क्रेसी की जो डेफिनेशन है गवर्नमेंट ऑफ द क्रिमिनल्स बाय द क्रिमिनल्स एंड फॉर द क्रिमिनल्स। अब आप इमेजिन करिए क्रिमिनल्स की पुलिस होगी, क्रिमिनल्स की सत्ता होगी, क्रिमिनल्स टैक्स लगाएंगे तो जजिया जैसे टैक्स लगाएंगे आपके ऊपर। आप यदि आवाज करोगे तो जो ना वो ऐसे जंगे जूते मारेंगे जो आपको अंग्रेजों ने भी नहीं मारे। बिल्कुल बिल्कुल सर, मार ही रहे हैं इनडायरेक्टली। और जो ब्यूरोक्रेसी में जो लोग बैठे हैं वो छोटे से पदों के लालच में उनका चरित्र भी बहुत छोटा है, वो भी कोई राष्ट्र में कमिटेड लोग नहीं है। तो उस समय आपकी अस्मिता का क्या होगा, आपके जो है ना प्राइड का क्या होगा जब गुंडे आपके घर में घुस के आपको मारेंगे। बिल्कुल सर बिल्कुल। नहीं विल डू समथिंग अबाउट इट डेफिनेटली सर। अभी मैं एक्चुअली दिल्ली में हूँ। अच्छा ये बताइए आप जो है आप ये बताइए कि एक सेशन हम रखते हैं आपके साथ जी ठीक है ना। तो एक तो आप अपना अभी आप तक अभी तक आपने क्या किया है एक थोड़ा सा डिटेल हमको लिख के भेजिए जिससे मैं समझ सकूं कि आपने अब तक क्या किया है और आगे की आपकी सोच क्या है। नंबर टू ठीक है सर। नंबर टू जो है आप बताइए कब रखना है इसको, 15 तारीख को? मैं एक बार एक्चुअली नहीं सर मैं अभी दिल्ली में हूँ। उससे क्या फर्क पड़ता है, ये तो लिंक पे होगा। नहीं 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 एक्चुअली सर माय सिस्टर हैज कम फ्रॉम यूके तो वो क्या है इधर जा उधर जा तो वंस आई रीच जबलपुर ओके तो आई हैव ऑल द टाइम देन आई कॉल यू अप एंड विल फिक्स अप द डेट। कब तक आप जबलपुर पहुंचने की संभावना है? सर मे बी बाय द 20th वंस शी लीव्स। आपका 22 को सेशन रखते हैं 3 बजे। चलिए सर हाँ जी और गॉड फॉरबिड अगर थोड़ा भी प्रोग्राम आगे पीछे हुआ तो आई विल लेट यू नो। चलिए चलिए तो अभी जो है ना टेम्पररीली इसको लॉक किया जाता है 22 तारीख 3 बजे दोपहर। आपके दिमाग में जितने भी प्रश्न हैं वो आपको पूछना है और मैं उन सब प्रश्नों का जवाब दूंगा। और आप पूछिए कि साहब ये कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, आपके दिमाग में जितने भी प्रश्न हैं हम आपका यूज करना चाहेंगे कि लोगों के प्रश्न जो है उनके जवाब जन जन तक पहुंचे और हमारा मॉडल इस देश को जो है वो वैभवशाली कैसे बनाएगा, रिसोर्स रिच कैसे बनाएगा और अवेंडेंस रिच कैसे बनाएगा। श्योर सर डेफिनेटली। चलिए जय हिंद जय भारत। ओके सर ऑल द बेस्ट टू यू सर। थैंक यू गॉड ब्लेस यू। टेक केयर सर गॉड ब्लेस यू सर।